वो लोग कैसे दिवाली मना रहे हैं। नीना चलो चलो जल्दी चलो चलो यहाँ से। बहुत मजा आ रहा है। ये क्या कर रही हो नीना? तू देखेगा तो डांटेगा हमें। चलो यहाँ से। भैया बस थोड़ी देर ना, हमने तो कभी पटाखे जलाए नहीं, कम से कम देखते लेने दो। नीना ये सब बंगलों का काम है, चलिए चलो पकड़ेंगे बहुत मार खाएंगे। रुको ना भैया बस थोड़ी देर, मैं यहाँ देख रही हूँ कि बड़े लोग कैसे दिवाली मनाते हैं। कभी ना कभी हम लोग भी तो मनाएंगे, है ना भैया? हाँ क्यों नहीं, जरूर मनाएंगे, है ना मयूर? हाँ हाँ ठीक है, 5 मिनट और देखते फिर चलेंगे घर। राजू भैया देखो ना कुछ खा रहे हैं। जब हम लोग दिवाली मनाएंगे तो हम लोग भी मिठाइयाँ खाएंगे, है ना भैया? हाँ। ना अच्छा त्यौहार है, खूब खाना मिलता है। चिली की तो बहुत भूख लगी है। घबराओ नहीं, अगले साल हम लोग इससे भी अच्छी दिवाली मनाएंगे। कौन हो तुम लोग? अरे वहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हो क्या? भाग यहाँ से। ए भागो। अच्छा भैया अच्छा, हम लोग वहाँ से भाग निकले। चलो 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 भैया चलो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। बस भैया बस आप और नहीं भागो जी, पेट में बहुत दुख रहा है। बिना बस थोड़ी दूर और है, तुम भाग सकती हो, बहादुर लड़की हो। चल चलो नहीं भैया शाबाश चलो। नहीं भैया मैं और नहीं भाग सकती, मैं क्या करूं, मुझे और भागा नहीं जाना, पैर बहुत दुख रहा है। ठीक है राजू भैया हम उसकी मदद करते हैं। ठीक है चलो। हिम्मत कर लो, पकड़े गए तो फिर उसी नरक में जाना पड़ेगा। हाँ वो हमें पागलों की तरह ढूंढ रहा होगा। मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना भैया। और कोशिश करो बिना, नहीं तो हमारे घर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। चलो चलो मुकेश जी कही हम लोग सीआईडी से, आपने बुलाया? जी सर मैंने कॉल किया। जी बोलिए क्या मैम? ये केस आया हुआ सर आपका। कैसा केस? बच्चों का केस।
बच्चों का जी सर। क्या क्या प्रॉब्लम? आप आइए मेरे साथ, आप खुद ही समझ। इसी भी साहब, कल रात को इन बच्चों की किसी ने बेरहमी से पिटाई की। किसने? किसने मारा इन बच्चों को? ये तो पता नहीं चल पाया सर। ये बच्चे एक आदमी को कल बेहोशी की हालत में सड़क पर, वही इनको हॉस्पिटल लेके आया, बाहर बैठा है। डॉक्टर साहब, है कौन ये बच्चे? कुछ पता चला इनके बारे में? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं चला। माँ बाप आए इनके? नहीं, वो भी नहीं। रेडी, जरा बुलाओ उस आदमी को। सर, डॉक्टर साहब, कुछ बताया इन बच्चों ने? सर एक्चुअली जब से इनको यहाँ पे लाया गया है, ये बेहोशी की हालत में, जैसे इनको होश आता है आप ही पूछ लीजिएगा। नमस्कार। नमस्ते सर, बोलिए। ये बच्चे आपको कहाँ मिले? सर बारी रोड पर, उसके पीछे के हिस्से में एक छोटी सड़क है वहां पर। ये बच्चे अकेले ही थे या उनके साथ कोई और भी था? हाँ साहब, अकेले थे, सड़क पर पड़े हुए थे और दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहे थे साहब। और आप क्या कर रहे थे वहां पे? सर मैं तो अपने घर जा रहा था, मैंने उनको देख लिया तो इनको हॉस्पिटल ले आया सर। चलो अच्छा काम किया तुमने, नेक काम किया। थैंक यू सर। थैंक यू, जा सकते हो। अच्छा सर, नमस्ते। इन बच्चों का जो भी सामान हमें दे देना। सर इनके फटे हुए कपड़ों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जो भी हो वही दे दो। जी रेडी सर। तुम यहीं पर रुको, और जैसे ही बच्चों को होश आ जाएगी हमें फोन कर देना। यस सर। सर इतनी बुरी तरह से पीटा उन बच्चों को, देखने वालों का दिल डर जाएगा सर। वही तो, कौन हो सकता है ऐसा पत्थर दिल इंसान जिसने ऐसे जुल्म खाए हैं बेचारे बच्चों पर। सर के बच्चों को पीटते वक्त लोग भूल जाते हैं कि उनके अपने भी बच्चे हैं। पता चला इन कपड़ों से किसके बच्चे हैं, कहाँ के बच्चे हैं, कौन है? नहीं सर, सर कपड़ों को देख के तो कुछ पता नहीं चला। सर इन कपड़ों में ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली, जैसे टेलर का कोई टैग वगैरह, जिससे कोई भी सुराग नहीं। अब तक तो बच्चों को इतना वक्त हो गया, माँ बाप को तो चिंता होनी चाहिए, मगर एक भी माँ बाप यहाँ आकर के पूछ नहीं रहा है। सर हो सकता है कि बच्चों के माँ बाप हो ही ना, बेचारे अनाथ हैं। हो सकता है। सच एक काम करो, सारे पुलिस स्टेशन से पता लगा, देखो बच्चे गुम होने की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या। यस सर। सर एक और देखने वाली बात यह है, ये बच्चे वहां सुनसान सड़क पे कर क्या रहे थे? किसी ने उन्हें वहां पे बुलाया था या ये बच्चे अपने आप वहां पे पहुंच गए? वही तो, और फिर उन बच्चों को वहीं पर क्यों बुलाया, सुनसान जगह पर? कुछ तो गड़बड़ है जी, कुछ तो गड़बड़ है। सर वहीं जाके देखना चाहिए जहां पे वो बच्चे बेहोश पाए। हाँ किसी ने तो देखा होगा उन बच्चों को, किसी ने तो देखा। जगह पे वो बच्चे कर क्या रहे थे? वो बच्चे यहाँ पर अकेले तो नहीं आए? हाँ कोई ना कोई तो लाया होगा उन्हें यहाँ पे, अगर वो कोई लेके आया बच्चों को यहाँ पे, तो सर सवाल ये उठता है कि बच्चों को यहाँ पे क्यों लाए, बच्चों का यहाँ क्या काम? मेरे दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा है, बच्चे यहाँ पे आए क्यों? देखते हैं आसपास क्या मिलता है।
बच्चे की स्लिपा मिली। उन बच्चों में से किसी की होगी? सर टूटी हुई भी। टूटी हुई स्लिपा? मतलब उन बच्चों के साथ जरूर कुछ हुआ है यहाँ पे। कुमारी है या गोली? दूर दूर तक आदमी तो क्या, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहा। इस आदमी का खून यही कहीं आसपास हुआ होगा। इसके पॉकेट में कुछ नहीं है। सब बच्चे यहीं पे मिले थे, ये लाश भी यहीं पे। लेकिन ये ऐसा तो नहीं कि इस लाश और उन बच्चों के बीच कोई संबंध है? सारे चैनल्स में और न्यूज़पेपर्स में इस आदमी का फोटो है। ये पता करना है कि ये आदमी है कौन। आशा, एम्बुलेंस को फोन करो। इतनी बढ़ गई है, एक आम आदमी को त्यौहार मनाने के बजाय 10 बार सोचना पड़ता है। वाह, अरे ये फोटो देखिए, आपने इन बच्चों को और इस आदमी को यहाँ पे आसपास कहीं देखा? आप एक मिनट रुकिए, हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी का खून हो गया और ये बच्चे हमें बेहोशी की हालत में यहाँ सड़क पर मिले। हाँ सर, तो आपने देखा क्या कर रहे थे वो बच्चे? हाँ सर, कल रात जब मैं दुकान बंद कर रहा था तब ये बच्चे दौड़ते हुए आए और मेरे सामान से टकरा गए थे। फिर क्या किया तुमने? हाँ, मेरा सामान दिया? माफ कर दो अंकल, गलती हो गई। ये अच्छा सीख रखा है लोगों ने, माफ कर दो, नुकसान करो फिर माफी मांग लो। बोले अंकल, गलती हो गई, क्या जान लोगे मेरी? तो गलती करते हो, ऊपर से मुझे डांटते हो? नहीं अंकल, ये आपको डांट रहा नहीं है, ये तो आपसे माफी मांग रहा है और आपसे जाने के लिए पूछ रहा है।
अंकल मैं भी इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ठीक है जाओ, आगे से देख के चला करो। आपको मालूम है वो बच्चे क्यों भाग रहे थे? नहीं साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन वो बच्चे बहुत जल्दी में थे और डरे भी लग रहे थे। इससे पहले तुमने बच्चों को देखा है? नहीं साहब पहली बार देखा था उन्हें। ये आदमी कौन? नहीं साहब पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से भाग कर आए थे ये बच्चे? इस तरफ से आए थे। ठीक है थैंक्स। भगवान आपका भला करे साहब, पहली बार मैंने ऐसा कोई आदमी देखा जो बिना मांगे पैसे दे रहा। नहीं तो साहब कोई कोई तो मांगने पे भी नहीं देता। साहब आपकी बीवी है क्या? नहीं। जल्दी मिल जाएगी, ये मेरी दुआ है साहब। हाँ ठीक है बीवी भी छोड़ो, ये फोटो देखो, इन बच्चों को देखा? हाँ साहब उनको जानता हूँ। तुम इन बच्चों को जानते हो? हाँ साहब। साहब ये राजू है, ये उसकी बहन है और ये इसका भाई है साहब। सब पास में रहते हैं साहब। उनके माँ बाप का नाम जानते हैं? उनके माँ बाप नहीं है, बेचारे अनाथ हैं। अनाथ है तो इनका खर्चा पानी कैसे चलता है? ये मुझे मालूम नहीं। मैंने इन्हें भीख मांगते हुए भी नहीं देखा था। ये गा रहे थे ये मालूम है ना? हाँ साहब वो बगल में रहते हैं। बगल में ही है। शुक्रिया। अच्छा तुम्हें यही कर ये बच्चे तो सो है। चलो चलो जल्दी, भैया आ गए, जरूर रुमाल ले खाना लाए होंगे। भैया मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दो ना वरना मैं मर जाऊंगा। आप लोग कौन हो और हमारे राजू भैया कहाँ है? घबरा मत बच्चों, हमारे राजू भैया हमारे साथ है, वो अभी आराम कर रहे हैं, है ना? बेटे ये फोटो ध्यान से देखो, ये आपके भाई बहन है ना? हाँ हाँ ये ही हमारे भाई बहन, मगर इन्हें क्या हुआ, ये तो सोए पड़े हैं। हाँ बेटा काम करके काफी थक गए थे ना, इसलिए आराम करें। साहब यही है हमारे भाई बहन, जब से हमारे माँ बाप मरे तब से यही काम करते हैं। तो तुम्हारे ये भाई बहन काम क्या करते? मालूम नहीं साहब, सुबह जाते थे 9 बजे और शाम को आते थे 7 बजे, तभी हम लोग खाना खाते थे। कल से वो आए नहीं है अंकल, हम उनके पास ले चलो ना, भूख भी बहुत लगी है। ठीक है घबराओ मत, हम लोग। हेलो हाँ क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। ओके या थैंक्स। सचिन बच्चों को पोछ आ गया, तुम्हें काम करो इन बच्चों को ब्यूरो लेके जाओ और पहले इन्हें खाना खिलाओ, तब तक हॉस्पिटल में जाके देखता हूँ। ठीक है ठीक है, आ जाओ बेटा चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं। ठीक है चलो 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 चलो। आप लाए हो ये सब हमारे लिए? हाँ हम ही तो लेकर आए ना तुम सबके लिए। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा हाँ हम तो अच्छे हैं,
लेकिन हमारे इतने तो अच्छे नहीं, तुम तो हमसे बहुत ही अच्छे हो। राजू भैया ये लोग कौन है? अरे राजू भैया से क्यों पूछ रही हो, हम बताते हैं, हम सब है ना तुम सबके अच्छे दोस्त हैं, भले उम्र में बड़े हैं हम तुमसे लेकिन है तो दोस्त तुम्हारे। ये लो बेटा ये एप्पल का, और देखो तुम सबको ये तुम्हारी चोटें ठीक करनी है ना, बस इसके लिए बहुत सारे फल खाने चाहिए, खाना खाना चाहिए, तभी तो दया अंकल जैसे स्ट्रॉन्ग बनोगे ना। लेकिन दया अंकल बताओ बिना। अरे बिना बेटा तुम बताओ कि तुम याद है किसने मारा था तुम लोगों को? एक आदमी। किसी ने नहीं, राजू बेटा अगर तुम लोगों को किसी ने भी नहीं मारा तो ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ऐसे ही टक्कर हो गई थी, गिर गए थे हम। देखो बच्चों अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, और तुम लोग तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, सच सच बोलो, डरो मत, हम लोग है ना। मयूर बेटा तुम बताओ तुम्हें किसने मारा? मालूम नहीं। मालूम नहीं। एक मिनट दीदी, आप दिखाओ तुम्हें, बच्चे काफी डरे हुए इसलिए कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या ये बच्चे जानते हैं उस आदमी को जिसने ये पर अत्याचार किया है? इसीलिए कुछ नाम वगैरह बताया बच्चों ने, ये हालत इनकी किसने की? अभी तक तो नहीं बताया। अब डॉक्टर साहब आपके पास ऐसी कोई दवाई है जिससे ये बच्चे उस आदमी का नाम बता सके जिसने इन्हें मारा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पता चल जाएगा फ्रेडी, पता चल जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए अब ये बच्चे हैं कैसे, क्या हालत कैसी है इनकी? सर पहले से बेहतर, पर मेरे ख्याल से इनको कुछ दिन और आराम करना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छा हुआ उस भले आदमी ने इन बच्चों को यहाँ पर लाया, तो पता नहीं किस हालत में पाए जाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, अगर वो इन बच्चों को टाइम पे हॉस्पिटल ना पहुंचाता तो शायद कुछ भी हो सकता। सर अब पता कैसे चलेगा कि किस आदमी ने पीटा इन बच्चों को? कहा ना फ्रेडी, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा वो कौन है जिसने इन मासूम बच्चों पर अत्याचार किया। मुझे लगता है कि आदमी एक चलता फिरता बॉम्ब। ये क्या कह रहे हैं? ये आदमी मानव बॉम्ब है? नहीं नहीं, ये कह रही नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, ये आदमी मानव बॉम्ब है। फिर कैसे कह दिया कि चलता फिरता बॉम्ब था? क्योंकि दया इसके फेफड़ों में हमें बारूद मिला। और ये कैसे पता चला? फेफड़े तो काटने ही पड़ते ना भैया, मैंने फेफड़े काट कर एक टुकड़ा इसे दिया, इसने माइक्रोस्कोप में चेक किया और बस एक ताली मार डाला उठाओ। अब हम लोग ताली तो बजा नहीं सकते, हम लोगों के मुंह खुले तो खुले रह गए। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस आदमी के फेफड़ों में बारूद आया था? शायद ये आदमी किसी बारूद की फैक्ट्री में काम कर रहा, सांस लेते वक्त लगातार बारूद इसके फेफड़ों में जाता रहा। कोई पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री हो सकती है? हो सकता है, याद है वो बच्चे भी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, उनके हाथ पे हमें बारूद मिला था, और ये आदमी भी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते। हो सकता है इस आदमी और बच्चे के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। हाँ
क्या ये दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं? और सर इस आदमी की लाश भी तो हमें वहीं मिली थी जहाँ पर वो बच्चे बेहोश हुए थे। ये दोनों बातें तो एक ही तरफ इशारा करती हैं कि इस आदमी का और उन बच्चों का आपस में कोई ना कोई नाता तो है। ए बस 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 चलो शुरू। मस्ती नहीं, अभी खाना शुरू। ये लो ये लो। अरे क्या हो रहा है, सिर्फ खेलना ही हो रहा है? खाना खाया कि नहीं बच्चों ने? क्यों अभिजीत, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, प्यार मिलना चाहिए। मगर इन्हें क्या करना पड़ता है? इंतजार अपने भाई बहन का, जो कब काम से लौटेंगे और कब इन्हें खाना मिलेगा। हाँ सर, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने से पहले उन्हों को जरा भी ख्याल नहीं आया कि इनकी छोटी छोटी नाजुक उंगलियां जो लिखने पढ़ने, संगीत सीखने, पेंटिंग बनाने के काम आ सकती हैं, उन्हीं नाजुक उंगलियों से वो बारूद भरवा रहा है। ऐसे भी साहब, कहाँ है मेरे पति? मुझे मिलना है उनसे। देखिए, आप अपनी शांत रहिए। कौन है? क्या चाहिए आप? अपने अखबार में जिनकी तस्वीर छपी है ना, वो मेरे पति थे वीरेश। जैसे मैंने अखबार पढ़ा, मैं भागी चली आई। आप बता सकती हैं ऐसी सुनसान जगह में आपके पति क्या करने गए? जी नहीं मालूम मुझे। काम क्या करता था ये वीरेश? सामान लाते थे और लोगों के घर तक पहुंचाते थे। मतलब माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे? बारूद ले जाते थे किसी कंपनी के लिए? मेरा मतलब है पटाखे बनाने वाली कंपनी के लिए। नहीं मालूम मुझे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी थी उनकी? ऐसी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। अभिजीत, पहले हमें उन फैक्ट्रीज के बारे में पता लगाना होगा जहां पर ये बारूद का काम होता है। मेरा मतलब है पटाखे बनाने वाले काम। सर, हम इन फैक्ट्रीज के बारे में इंटरनेट से पता कर सकते हैं। विक, तुम्हें पता क्या था इंटरनेट से? यस सर, शहर में ऐसी 3 फैक्ट्रीज हैं जहां पे पटाखे बनाने का काम होता है। 3 फैक्ट्रीज? यस सर। तीनों फैक्ट्रीज में जाकर पता करना होगा। पता चलेगा ये वीरेश किस फैक्ट्री में काम करता है। ये बच्चे यहाँ पे काम करते हैं? नहीं करते। नहीं? जी नहीं। और इस आदमी को जानते हैं? जी नहीं। थैंक्स। मेरी फोटो दिखा। इस बच्चों को देखा है यहाँ पर किसी फैक्ट्री में काम करते हुए? नहीं सर। नहीं। किसे देखा है? नहीं सर, इसको भी नहीं। चल सर, सुबह से गली गली भटक रहे सर, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? करना क्या है सर, बस ऐसे ही कह रहा था। ऐसे कह रहा था का मतलब? अरे बस ऐसे याद दिला रहा था। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है फ्रेडी, हमारा काम है पूछताछ करना। चलते चलते पूछताछ करना, समझे? हाँ सर। भूख लगे तो भी चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चुप रहो, छोटे बच्चों जैसी बातें मत करो। रेडी, जो लोग ऐसे छोटे छोटे बच्चों से गंदा और गलत काम करवाते हैं वो हमारे लिए फैक्ट्री खोलकर नहीं बैठे हैं इंतजार में, हमें जाकर के उन्हें ढूंढना चाहिए। यस सर। सर, हमें इस तरफ पूरा एरिया छानना है, जहाँ जहाँ पे हम लोगों को शक था हमने एक एक जगह पे जाके देखा सर, तो कहीं कुछ नहीं मिला। सर, हमें जितनी भी फैक्ट्री मिली उन सब में काम करने वाले लोगों की उम्र 18 साल के ऊपर ही थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं में से किसी एक फैक्ट्री में इन बच्चों को छुपा के रखा गया हो और हमें दिखाई नहीं दिया? ऐसे मुझे तो नहीं लगता गया। इन सभी फैक्ट्रीज के पास प्रॉपर लाइसेंस है। ये 3-4 नाबालिग बच्चों के लिए ऐसा गलत काम करके अपना धंधा चौपट नहीं करेंगे ये लोग। मतलब सर, ये कोई और ही लोग हैं जो बच्चों से ऐसा गलत काम करवा रहे हैं। बिना लाइसेंस की फैक्ट्री चलाने, ये जो इलीगल फैक्ट्री चलाते हैं ना, वो बिना बच्चों के काम ही नहीं कर सकते। वो क्यों सर? क्योंकि काजल, ये बच्चे अपनी छोटी छोटी उंगलियों से बारूद भर सकते हैं उन पटाखों। तो सर,
इन इलीगल फैक्ट्रीज को ढूंढते हैं। लेकिन सर, इन लोगों को इतने सारे बच्चे मिलते कहां से होंगे? कोई तो सप्लायर्स होंगे, कोई तो सप्लायर्स होंगे जो बच्चों को इकट्ठा कर करके इन लोगों को लाकर देते होंगे। और बेचारे गरीब बच्चे भूख और पैसों की लालच में इनके चंगुल में फंस जाते होंगे। तो फिर सर, हम भी बच्चे सप्लाई करने वाले बन जाते हैं, शायद कोई कस्टमर मिल जाए। हेलो राइता, ये यहाँ आस पास वो फटाकरे का फैक्ट्री है? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे आप यहाँ से जा रहे थे, मुझे लगा आपको मालूम होगा। क्यों ना, जबरदस्ती गले पड़ रहे, अपने काम पर चलो ना यार। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, काम मिल जाएगा तो सर पे रखो क्या उसको, जाओ अपना काम करो। अभिजीत, यहाँ पे 10 लोगों को पूछ लिया, मैं कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अरे वही तो, और उस ज्वाला ने क्या बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। हाँ, और यहाँ पे पूरे गांव में जिससे भी पूछो, जिस आदमी से कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं, हर कोई मना कर रहा। कोई बात नहीं है, कोई ना कोई तो मिलेगा ही, जहाँ तक हमको मालूम है उससे तो यही लगता है कि ज़्यादातर बच्चे ही काम करते हैं पटाखे की फैक्ट्री। कोई ना कोई तो मिलेगा दया। और यहाँ पे जिस किसी से भी पूछो, हर कोई मना कर रहा है। हाँ ठीक है, ओके। कोई आदमी मिला था क्या? हाँ हाँ, बोल रहा था बच्चों के लिए कोई काम वाम ढूंढ रहे हो? अरे साहब, काम है आपके पास? अपनी छोटी सी फैक्ट्री है, उसके अंदर 2 बच्चे चाहिए। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ, बोलिए ना कब लेके आऊं बच्चों को, मैं तो तड़प रहा था मेरे बच्चों को काम मिल जाए। और बच्चे हैं क्या? कितने चाहिए? नए सप्लायर हो क्या? पहले कभी देखा नहीं तुमको? हाँ, नया तो नहीं हूँ सर, इस धंधे में बहुत पुराना हूँ, मगर इस एरिया में नया हूँ। तो मतलब तुम पर हम भरोसा कर सकते हैं ना? अरे साहब, भरोसे पे तो काम चलता है हमारा। वैसे यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है ना छोटी छोटी, जहाँ पे बच्चों की जरूरत पड़ती होगी आप लोगों को। पहले ये बता, तेरे को इस एरिया का एड्रेस किसने दिया? वो मेरा दोस्त है वीरेश, उसने कहा। वीरेश? वो तो अरे साहब वो मर गया, मगर मरने से पहले उसने बताया था इस जगह के बारे में। साहब आप बताइए ना, आपको कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए? मैं पहुँचा दूंगा। अरे कल लेकर आना यहाँ पर ही। यहाँ पर? हाँ यहाँ पर ही लेकर आओ। और बच्चे कामचोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मुझे कामचोर बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। साहब हमने जिंदगी में नाम ही तो कमाया साहब, पैसे तो कभी कमाए नहीं। ले से आज तक हमने जहाँ जहाँ बच्चे भेजे कभी फेल होके नहीं आए, अब हो जाएगा काम। चल फिर एक काम कर, हाँ। कल मेरे को यहीं मिल, चल अब तू। हाँ, निकल। ओके साहब, मिलता हूँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और स्पोर्ट शूज। हाँ हाँ वही है, वही है।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? आदमी गैराज में घुस गया, हमें सामने ही। एक काम करो, तुम लोग इधर आ जाओ, हाँ सबको लेके आ जाओ। मास्टर खान, अरे ऐसे डर के खड़े रहे ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे अगर खाना खाना है तो काम भी करना पड़ेगा। हमें यहाँ रहना वाला नहीं है, मुझे तुम्हारा खाना भी नहीं चाहिए। ए ज्यादा रपर मत बोल, समझा? जितना तू है उतने से ज्यादा बातें करता है। अभी आया ना मास्टर, देगा कान के नीचे तेरे दो चपेट। यार क्या तू यहाँ क्या कर रहा? काम कर रहा, चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, मगर ये खाना वाना नहीं खा रहे। अच्छा, लेकिन बच्चों काम तो करना पड़ेगा। करेगा तुम्हारा काम, तेरा बाप भी करेगा, तेरा बाप भी करेगा काम। अरे चल रहा तू, बच्चों की बेइज्जती से मार रहा। अरे तो अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो कल मैंने वहां बुलाया था। हमने सोचा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो इसलिए अभी आ गए। इन लोगों जानता है? हाँ, सप्लायर है। देखो दे, सप्लायर नहीं है, सीआरडी वाले हैं। क्या? हाँ। यो, चक्कर आ गया? हाँ? बच्चों को मारने का बहुत शौक है, मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। चल पीछे, चल चल इधर। उठो बच्चों, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को, हम लोग सीआईडी से। उठो उठो बच्चों, चलो सब लोग।
देख देख मेरे कहीं मत आना, नहीं तो तेरे भागने की सारी लाइफलाइन बंद हो चुकी है, सिर्फ एक ही लाइन बची है और वो तू भी जानता है। अगर छटपटा मत, चुपचाप खड़ा हो जा। मालूम है तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? हे भगवान, कहीं से कोई पतली गली दिखा दे तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, है ना? देख मेरे कहीं मत आना, नहीं तो क्या यहाँ देखा है? जब पड़ता है ना तो क्या होता मालूम? नादान है बेचारा, इसे मालूम नहीं है कि दया सर का एक हाथ पड़ता है तो क्या होता है। अगर मालूम होता तो ऐसी गंदी हरकत नहीं करता ये। देखो, मुझे कोई हाथ में लगाना, नहीं तो एक तो जान से मार दूंगा मैं। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूं। वाकई नहीं। क्या भैया लगता है? जानो भैया लगता है, बोल तुम्हारा बच्चों को आजाद। मैंने पीटा था राजू मयूर अमीना को। क्यों क्यों पीटता था मासूम बच्चों को? वो साहब मुझसे दूर भाग रहे थे, अगर वो चले जाते तो मेरा धंधा ठप हो जाता, काम में बर्बाद हो जाता। तुम्हें शर्म नहीं आती? पैसों के लालच में मासूम बच्चों से काम करवाता था। वीरेश को क्यों मारा? साहब वो बच्चों को भगाने में मदद कर रहा था, बड़ा सियाना बन रहा था। वो जानता था मेरा धंधा बंद हो जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। ऊपर से धमकी भी दे रहा था साहब। वो क्या धमकी दे रहा था? सर कह रहा था मैं पुलिस को सब बता दूंगा तुम्हारे काम के बारे में। मगर वो भी तो यही काम करता था ना? मैडम काम तो वो यही करता था, लेकिन बच्चों की सप्लाई के लिए ना बोल रहा था, कहता था धंधा बंद कर दो। मुझे लगा अगर मेरा धंधा बंद हो गया तो मेरे खाने के बांधे हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मगर तुमने तो बच्चों को खुद पीटा था, उन्हें हॉस्पिटल लेके क्यों गए? बच्चों को पीटने के बाद मैं उनको फैक्ट्री वापस ले जा रहा था, लेकिन सब कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। मैंने उन्हें गुमराह करने के लिए बोल दिया कि मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी उनमें से मेरे साथ हो लिया, इसलिए मुझे मजबूरन उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। बस घर वाला बचाए तुमसे और तुम्हारे सड़े हुए दिमाग। चलो बुढ़िया बिस्तर उठाओ, बाकी की दिवालियां जेल में बिताना, जेल में। सर दिवाली तो मैंने बहुत मनाई सर, लेकिन ऐसी दिवाली आज तक नहीं मनाई सर। बहुत मजा आ रहा है सर इन बच्चों के साथ। वो तो दिख रहा है फ्रेडी, इन बच्चों के साथ तुम भी बच्चे हो गए। देखो कैसे खुश है बच्चे, इनकी खुशी में हमारी खुशी। सर पता नहीं इन बच्चों ने पहले कभी दिवाली मनाई भी है कि नहीं। आज से पहले नहीं सही अभिजीत, मगर आज के बाद सारे बच्चे हर साल खुशी की दिवाली मनाते हैं। सर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि ये बच्चे इतने दिनों से पटाखे बनाने वाले कंपनी में काम कर रहे थे, कहीं बारूद इनके फेफड़ों में ना घुस गए। एक काम करते हैं सर, इनका मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं। सिर्फ उनका मेडिकल चेकअप और इलाज ही नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई और रहने का इंतजाम भी हम करेंगे। सर मेरी एक दोस्त संस्था चलाती है जो गरीब और अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, तो शायद ये बच्चे वहाँ पर बहुत खुश होंगे। ये तो बहुत अच्छा है दया, और एक आज के बाद जो भी बच्चों का बचपन चुनेगा, उनसे काम करवाएगा, वो हमारे लिए तब CID के लिए एक सबसे बड़ा अपराधी होगा। बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, उसके बाद ही ये बच्चे काम करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.